मिली है बड़ी सफलता। 3 यात्रियों के पास से 935 ग्राम सोना बरामद हुआ है। अलग अलग फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे 3 यात्री। बड़ी खबर लखनऊ से, एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोना तस्करों को अरेस्ट किया गया है। 935 ग्राम सोना बरामद हुआ है और 3 जो आरोपी पकड़े गए हैं, 3 ही अलग अलग फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कस्टम को बड़ी सफलता। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 935 ग्राम सोना बरामद किया है। 3 ही यात्री अलग अलग फ्लाइट से पहुंचे थे और कस्टम ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नौ सौ पैंतीस ग्राम सोना बरामद हुआ है 3 यात्रियों के पास से, अलग अलग फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे 3 यात्री। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ गए हैं लखनऊ से। भरत, जो ये 3 यात्री पकड़े गए हैं, 3 ही अलग अलग फ्लाइट से आए थे, कौन है 3 लोग और कब से इस धंधे में लिप्त हैं? भरत से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस कोशिश करेंगे भरत से जुड़ने की। लखनऊ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 यात्रियों को पकड़ा गया है जिनके पास से 935 ग्राम सोना बरामद हुआ है और 3 ही अलग अलग फ्लाइट से आए थे। कस्टम को बड़ी सफलता, 935 ग्राम सोना बरामद हुआ है 3 यात्रियों के पास से। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ के एयरपोर्ट का ये मामला आपको बता रहे हैं। 3 यात्रियों के पास से 935 ग्राम सोना बरामद हुआ है। ये 3 ही यात्री जो हैं अलग अलग फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। एक बार फिर से भरत सेठी जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से। भरत, ये जो 3 यात्री पकड़े गए हैं, ये पेशेवर हैं या फिर इन्होंने सोना लाना आसान समझा क्योंकि भारतीय मुल्क में सोने की कीमत ज्यादा है बाकी मुल्कों की अपेक्षा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो तस्कर है नए नए तरीके से सोना लाया करता है और लगातार जो कस्टम जो लखनऊ एयरपोर्ट पर एक्टिव रहती है और इनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। ये फिलहाल जो 3 लोग हैं, जो 1 यात्री जो लखनऊ पहुंचा था वो दुबई से पहुंचा था लखनऊ और 2 यात्री जो लखनऊ पहुंचे थे वो रियाद से पहुंचे थे। जो इनके पास से जो कुल सोना जो बरामद हुआ है वो 935 ग्राम है, जिसकी जो मार्केट जो वैल्यू है वो लगभग 49 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये सोने के बिस्कुट के आकार में सोने को लेकर थे, बिस्कुट थे उनके पास और साथ ही साथ कुछ जो सोने के पेस्ट को बनाकर लाए थे। फिलहाल जो तस्कर है नए नए तरीके ध्यान करते हैं, नए नए तरीके तैयार करते हैं सोने को तस्करी करने के लिए और तस्करी करते हैं और लेके आते हैं। फिलहाल यहाँ पर लखनऊ की बात करें, लखनऊ कस्टम ने कई बार ऐसे जो तस्करों को पकड़ा है और उनके को जब्त किया है। फिलहाल जो ये तस्कर है इनसे पूछताछ चल रही है कि ये पहले भी ऐसे तस्करी कर रहे हैं कि ये इनका क्या है। भरत ये तीनों का आपस में बहुत संबंध है कि 3 ही अलग अलग हैं? देखिए, 2 यात्री जो है जो रियाद से लखनऊ पहुंचे हैं वो एक साथ जो फ्लाइट नंबर GH6008 वो एक फ्लाइट से आए। जो एक दूसरा यात्री है वो दुबई से लखनऊ पहुंचे जो फ्लाइट नंबर है FZ43। ये 3 यात्रियों में से 2 एक साथ आए हैं और जो एक यात्री है वो अलग है। फिलहाल कस्टम इन लोगों की जो जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर रही है कि ये सोने की तस्करी कर रहे थे, कहां सोना लेके जा रहे थे। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सोने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को सफलता मिली है, 935 ग्राम सोना बरामद किया है 3 यात्रियों के पास से।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की कल हुई केंद्रीय